आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है द फ्रॉग रेस। ये एक स्टोरी है। एक दफा ऐसा होता है कि चंद छोटे छोटे टाइनी फ्रॉग इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं एक जगह पर, और वो इरादा करते हैं, आपस में शर्त लगाते हैं कि जो टावर है, जो सबसे ऊंचा टावर है, इस पर हमने चढ़ाई करनी है, इसकी पीक पर पहुंचना है। जब वो ये इरादा करते हैं तो वो दौड़ लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टाइनी फ्रॉग होते हैं या फ्रॉग मेंढक, उनके चलने का अंदाज, उनके दौड़ने का अंदाज डिफरेंट है। वो फुदक फुदक के चलते हैं, तो वो एक दौड़ लगा देते हैं एक पंच की सूरत में। बहुत सारे टाइनी छोटे छोटे स्मॉल फ्रॉग होते हैं, यंग फ्रॉग। अब जब वो टावर की तरफ दौड़ लगा रहे होते हैं तो उनके इर्द गिर्द दाएं बाएं और बहुत सारे छोटे छोटे फ्रॉग आ जाते हैं, मेल और फीमेल, नर मादा, और वो उनको देखते हैं कि वो एक टावर की जानिब रेस लगा रहे हैं। तो क्योंकि ये यंग फ्रॉग जो थे दौड़ लगा रहे थे और मंजिल को हासिल करना चाहते थे अपनी, तो जो इनके दाएं बाएं फ्रॉग थे मौजूद, मेल और फीमेल फ्रॉग, वो हुटिंग करते हैं, इन पे ताने कसते हैं, इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इनको बुरा भला कहते हैं, इनसे कहते हैं कि ये तुम गलत काम कर रहे हो, ये डिफिकल्ट काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, तुम इसे नहीं कर सकते, वापस आ जाओ, तुम्हें शर्त नहीं लगानी चाहिए थी, दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम बेवकूफ हो, ये नामुमकिन काम है, ये मौत की तरफ रास्ता जाता है, अगर तुम ऊपर जाओगे तो तुम गिर के मर जाओगे, तुम्हारी मौत हो सकती है। जब इस किस्म के अल्फाज, अलकाब व अदाब वो जो दाएं बाएं उनके फ्रॉग थे वो कहते हैं, तो वो सुन भी रहे होते हैं यंग फ्रॉग और दौड़ भी लगा रहे होते हैं टावर की तरफ, ये तमाम मनफी बातें सुनते हुए। फिर कुछ थोड़ी देर के बाद ये होता है कि उनमें से कुछ यंग फ्रॉग जो है वो हिम्मत हारने लगते हैं और बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगहों पे। एक फ्रॉग जो है मुसलसल जा रहा होता है और वो टावर के करीब काफी हद तक पहुंच चुका होता है, काफी हद तक अपना सफर तय कर चुका होता है। बाकी फ्रॉग जो है, जो दाएं बाएं बैठे हुए थे, वो उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं, उसे भी बुरा भला कहते हैं, उससे कहते हैं मत जाओ, वापस आ जाओ, तुम गिर जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारी मौत हो जाएगी, ये डिफिकल्ट रास्ता है, हम नहीं कर सके, हमारे माँ बाप नहीं कर सके, हमारे माँ बाप के माँ बाप नहीं कर सके, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो उनको सुने बगैर दौड़ लगाता रहता है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है और टावर पे जाके बैठ जाता है। अब नेचुरल सी बात है कि जब वो अपने टावर पे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, तो तमाम फ्रॉग जो है, छोटे छोटे टाइनी फ्रॉग, वो उसके गिर्द जमा होते हैं, उससे सवाल करते हैं कि तुमने ये मुश्किल काम कैसे किया, कैसे अपनी मंजिल को हासिल किया, वो कौन सी कुव्वत इरादी थी, विल पावर था, वो कौन सा मुसम्मम इरादा था जो तुमने किया, वो कौन सी ताकत थी जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम था इस पीक तक पहुंचना। तो ये जो यंग फ्रॉग था, ये इनको कोई जवाब नहीं देता, खामोश रहता है। तो बाद में ये डिस्कवर करते हैं तमाम फ्रॉग के, ये जो टावर तक पहुंच गया सिंगल फ्रॉग, ये कान से बहरा था। अब आप यानी कि उसने उनकी बातों को सुना ही नहीं था, नेगेटिव बातों को। साइकोलॉजी ये कहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी के नफसियात के मुताबिक, जो आप सुनते हैं आपके दिलो दिमाग पर उसका असर होता है। अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छा असर होगा, बुरी बात सुनेंगे तो बुरा असर होगा। अगर आप इसको लाइफ से जोड़ें, जिंदगी से जोड़ें, आपका जो भी इरादा है, जो भी प्लान है, चाहे वो मजहबी इरादा हो कुछ बनने का, कुछ करने का, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो माशी हो, चाहे वो तालीमी हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, आप अपने आइडियाज, अपने इर्द गिर्द जो आपके फ्रॉग हैं, जो मनफी सोच रखते हैं, जो लोग आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके ऑफिस में आपके कुलीग हैं, जो नेगेटिव सोच रखते हैं, आप उनके साथ अपने इरादे को, अपने फ्यूचर प्लान को कामयाबी हासिल करने से पहले डिस्कस मत करें और उनके सामने डेफ रहें, जैसे कि आप उनकी बात को सुनते ही नहीं। अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे
और उसको असर आप डेफिनेटली, क्योंकि सोशल मीडिया है, फेसबुक है, या फिर आपका समाज है, मुआशरा है, या मीडिया से जो बातें आप सुनते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपके ऊपर असर रखती हैं। चाहे वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव असर होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव असर रहेगा। आप अपना काम खामोशी से करें, इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी दूर दूर तक कुछ शोर मचाए आपकी कामयाबी का। क्योंकि आपने ये शेर तो सुना होगा कि अब रास्ते में जीत मिले या अजल पड़े, तुम सोच कर उठाओ कदम हम तो चल पड़े। यानी जिंदगी मिले या मौत मिले, मुझे अपने रास्ते की तरफ फोकस रहना है। क्योंकि आग के शोलों के साथ रहोगे तो दहकते रहोगे, खुशबुओं के साथ रहोगे तो महकते रहोगे। तो हमें जो है सोसाइटी के साथ, मुआशरे के साथ अपने आइडियाज को शेयर नहीं करना होता, हमें फोकस करना होता है अपने प्लान पे। क्योंकि लोग जो है वो आपसे जेलस होते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे हसद करते हैं, आपसे थ्रेटन होते हैं कि ये कहीं कामयाब हो ही ना जाए। तो इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है द फ्रॉग रेस से, कि इंसान को अपने फ्यूचर प्लान से रिलेटेड कामयाबी हासिल करने के लिए डेफ रहना होता है और फोकस करना होता है अपनी मंजिल की जाने। और एक वक्त आता है वो पीक, वो जो पीक है, वो जो चढ़ाई है, जो डेस्टिनेशन जिसको वो हासिल करना चाहता है, हासिल कर लेता है। थैंक यू।